स्ट्रगल जो है वो तो हर एक की लाइफ में आती है जी। अगर स्ट्रगल ना हो तो आदमी फिर तो वहां का वहीं रह जाएगा। तो जहां पर हम आज हैं, जैसे कि मैं आपने शायद याद होगा मैं इंस्टीट्यूट में भी एज अ प्रिंसिपल लोगों को यही बोलता था हमारा आज बीते हुए कल से बेटर होना चाहिए और ऐसे ही हमारा जो आने वाला कल है वो आज से बेटर होना चाहिए। मतलब हर टाइम आदमी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता रहे जिससे कि आगे बढ़े। उसमें कई बार सिचुएशंस जो हैं वो अच्छी भी आती हैं, कई बार एडवर्स भी आती हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशंस आने पर आदमी हिम्मत ना हारे, ये सबसे बड़ी बात है। तो चाहे कोई भी इंसिडेंट हो, आदमी के अंदर जो सोच है वो कभी हारने वाली या घुटना टेकने वाली नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं, सामने को हर्डल आती है उसको कोशिश करते हैं पार हो गए तो हो गए, अगर बीच में फंस के गिर गए कोई बात नहीं है, गिरना और अनसक्सेसफुल होना ये तो लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। हम गिरें, उठ के फिर खड़े हो जाएं, चलें, या गिरें अपने कपड़े फिर दोबारा से झाड़ो, मिट्टी को झाड़ दो और भूल जाओ कि मैं गिरा भी था, उठो और फिर से चलना शुरू कर दो। मैं इसी तरह से मैं भी चला हूं और मैं इसी तरह से चलने के लिए दुनिया को प्रेरित करता हूं हमेशा। कभी वो एक सेइंग है ना कि नेवर से डाई, तो अपना लगे रहो। और एक लाइटर वेन में हमारे यहाँ एक मूवी भी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, तो सारे मुन्ना भाई जो हैं अगर वो कोशिश करते रहें तो हर एक आदमी को एक न एक दिन उनकी जो मंजिल उन्होंने सेलेक्ट की हुई है वो जरूर मिलती है। मंजिल ही नहीं मिलती है बल्कि मंजिल के हम आगे भी निकल जाते हैं, जितना हमने सोचा उससे कहीं आगे तक हम जा सकते हैं। तो स्ट्रगल जो है उसको हम एक हर्डल के तौर पे ना देखें, स्ट्रगल को हम देखें कि भाई ये हमको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है टू चैलेंज योरसेल्फ, इनोवेट कि भाई जो भी मेरे पास रिसोर्सेस, सारे रिसोर्सेस तो कभी भी आपके पास नहीं होंगे, इन रिसोर्सेस और इन कंडीशंस के अंदर मैं किस तरह से इस बाधा से आगे निकल सकता हूं। और वो चीजें जो हैं जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको बहुत हौसला देती है, हम कर सकते हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में। तो आदमी सोचता कि मेरे को कल जंगल में भी छोड़ दिया तो मैं रास्ता ढूंढ के आ जाऊंगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, मेरे को कहीं हिमालय पहाड़ में बर्फ के बीच में डाल दिया तो मैं जिंदा वहां से वापस आ जाऊंगा। इस तरीके का हौसला जो है ना वो तब आता है जब आप हर्डल्स से या परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। बाकी वो जो ऊपर वाला है वो हमेशा रास्ता वो हमको बताता चले जाता है, शुरू में नहीं बताता कहां जाना है, जब हम कदम लेने शुरू कर देते हैं तो वो हमको नया होराइजन दिखाता है और नए होराइजन में हमारे को अपना रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा मतलब कभी भी जो स्ट्रगल वाली चीज है उसमें मैं यही कहूंगा कि भाई हिम्मत नहीं हारो, लगे रहो, कोशिश करते रहो, यही आप कर सकते हैं और ये करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी।